वैसे एक बात है, रतन टाटा एक ऐसे रत्न है जिन्हें भारत रत्न भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन उनको फिर भी उनके सम्मान के लिए भारत रत्न जरूर दिया जाना चाहिए। अगर वास्तव में कोई भारत रत्न का अधिकार रखता है तो वो हमारे देश के असली रत्न है, रतन टाटा। तो आज हमारे को कैंपेन चलाना चाहिए, और कैंपेन क्या, हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा। स्पेलिंग जरा चेक कर लेना, ये हैशटैग कैंपेन आपको मेरे साथ चलाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको। और साथ में मिलकर के बस इस हैशटैग को हमें ट्रेंडिंग पर लेकर के आना है। अगर रतन टाटा जी को मिल जाता है ना भारत रत्न, तो ऐसा लगता है जैसे 140 करोड़ भारतवासियों को मिल गया है।